तारक मेहता का उल्टा चश्मा। एक आइडिया है भिड़ा, जिससे तुरंत पता चल जाएगा कि नींबू किसने भेजे है। हाँ बोलो बोलो। हाँ, चार गोनी नींबू है ना? हाँ। तो चारों गोनी में से तीन तीन चार चार नींबू बाहर निकल, सबको लाइन में खड़ा कर, और वो पुलिस वो थर्ड डिग्री टिमटिम देते हैं ना, ऐसा थर्ड डिग्री टिमटिम सब नींबू को दे, वो यूं उगल देंगे कहाँ से आए हैं, किसने भेजे हैं सब। चिट्ठालाल फिर से मजाक। मैं परेशान, तुम्हें मजाक सूझ रहा है? अरे भाई परेशान क्यों हो रहा है, तू मजा करना भाई। वैसे भी तुझे वो 50 किलो अचार का ऑर्डर पूरा करने के लिए नींबू चाहिए थे ना, तो यूं समझ भगवान ने सामने से तेरे लिए नींबू भेज दिए, तो अभी इसमें से 50 किलो अचार बना और गोपाल भाई का ऑर्डर पूरा कर। अरे नहीं नहीं जेठालाल, पता नहीं है किसकी अमानत है, ऐसे कैसे मैं किसी के भी नींबू का अचार बना दूं, ये तो गलत है। तो अभी क्या करेगा तू? पता नहीं क्या करूंगा, लेकिन पता लगाना पड़ेगा किसने भेजे। ए भाई, पता लगाने के चक्कर में कहीं लेने के देने ना पड़ जाए। क्या मतलब? अरे भूल गया पोपटलाल ने क्या कहा था? जमाखोरी, बहुत सारे सप्लायरों ने नींबू का स्टॉक अपने पास दबा के रखा है, इसीलिए नींबू के दाम बढ़ रहे हैं। और सरकार ने कहा है जिन जिन सप्लायर के पास नींबू का स्टॉक मिलेगा उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो क्या करूँ अभी? अब ये काम कर, जितनी जल्दी हो सके ये नींबू से छुटकारा पा ले भाई, मैं तो कहता हूँ बेच दे सारे नींबू। नहीं भाई नहीं जेठालाल, मैं व्यापारी नहीं हूँ, ना ही मैं नींबू बेचूंगा और ना ही इसका अचार बनाऊंगा। अरे भाई नींबू बेचने नहीं है, अचार नहीं बनाना है, तो एक काम कर, ये चार गोनी तू ले जाके वो पुलिस स्टेशन में जमा कर दे और उनको सब सच सच बता दे कि भाई ये नींबू मेरा नहीं है, मुझे पता नहीं है मेरे घर पे किसने भेजे हैं, फिर वो लोग देखेंगे उसका क्या करना है। नहीं 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 नहीं, नहीं। उस झमेले में तो मुझे पढ़ना ही नहीं है। ठीक है, मैं सोचता हूँ क्या करना है। ठीक है भाई, जैसे तेरी मर्जी, चल। ओके। कौन सा झमेला? अरे वो बोल रहा है कि पुलिस पे कंप्लेंट कर दो। तो बरोबर है ना, बरोबर बोल रहे जेठा भाई, जाते है ना पुलिस में, बता देते हैं उनको सब ऐसा सा हुआ हमारे घर। क्या ऐसा ऐसा हुआ है बोल देंगे माधवी, पुलिस बोलेगी कि प्रूफ क्या है तुम्हारे पास, हमने तो वो टेम्पो का नंबर भी नोट नहीं किया था घाई घाई में, लेना ना देना हम पे ही जमाखोरी का इल्जाम आ जाएगा। तो अभी क्या करे? ये सुसत नहीं है ना, क्या करे? मैंने तय कर लिया है कि हम ये सारे नींबू फेंक देंगे। क्या? लेकिन क्यों बाबा? इतने महंगे नींबू फेंकने क्यों है? और इसका असली मालिक आ गया तो क्या जवाब देंगे हम लोग? नहीं नहीं, रख ही देते हैं। और अगर पुलिस से छापा मारा तो? नहीं, लेकिन फेंकने नहीं है, फेंकना गलत है। तो पता है माधवी, लेकिन तो करे तो क्या करे अभी? बाबा तुम्हें टेंशन नका घे, आप देखना कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। आप जरा ठंडे दिमाग से सोचिए, मैं आपके लिए नींबू शरबत बना के लाती हूँ। लेकिन घर में तो नींबू नहीं है ना? है ना? कहाँ? माधवी एक आदि खाई होत नहीं है, मैं आंटे सोनू बाड़ा, ये नींबू के भाव ऐसे ही बढ़ते रहेंगे ना तो जल्दी नींबू सुनार के दुकान में मिलेंगे। तुम देखना शादियों में भी लोग नींबू गिफ्ट करेंगे। मुझे पता है आप वो। तो चिल्ला क्यों रहा है? नहीं, वो आप मेरे फोन के स्क्रीन में अचानक प्रकट होंगे तो डर तो लगेगा ही ना। ये क्या है ये सब? और ये सब के साथ तू शपली क्यों ले रहा था? ये नींबू है सेठ जी, और नींबू आजकल बहुत बड़े सेलिब्रिटी बन गए हैं, तो सेलिब्रिटी के साथ एक सेल्फी तो बनता ही है। कौन है, किसका मैसेज है? बावरी जी का। अभी उसको क्या है? वो क्या है, मैंने सारे सेलिब्रिटीज के साथ उनको सेल्फी खींच के भेजी थी तो उनका रिप्लाई आया है। अरे वाह बागेश्वर जी, आपके गोडाउन में इतने सारे सेलिब्रिटीज, पेठा जी को बहुत बड़ा मुनाफा हुआ है, अब तो आपकी पगार बढ़ाएंगे ही बढ़ाएंगे। अच्छा,
वाह बाबा, शादी से पहले ही उसकी नजर तेरी सैलरी पे, संभलना भाई। नहीं नहीं बावरी जी, ऐसे नहीं है। अच्छा समझा, मतलब बावरी जी के आड़ में तू अपने मन की बात मुझे कह रहा है। नहीं ऐसी बात नहीं है सेठ जी, मतलब तुझे अपना पगार बढ़ा के नहीं चाहिए। ऐसी बात नहीं है। अरे क्या हर बात में ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है कर रहा है। चल छोड़, ये बता इतने सारे गिफ्ट बॉक्स किसने भेजे? अरे सेठ जी ये गिफ्ट बॉक्स नहीं है, ये गिफ्ट हैम्पर है। हैम्पर फैम्पर जो भी है, भेजे किसने? गिफ्ट हैम्पर वाले ने। अरे क्यों? मैंने मंगवाए। क्यों, आज तेरा बर्थडे है? नहीं नहीं, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ से कस्टमर को देने के लिए। किस खुशी में? कस्टमरों को खुश करने की खुशी में। मतलब? सेठ जी सबको पता है कि नींबू आजकल बहुत महंगे हो गए हैं। जो भी कस्टमर हमारे यहाँ से टीवी फ्रिज वॉशिंग मशीन खरीदेगा उन्हें हम एक नींबू हैम्पर गिफ्ट देंगे। सोचिए सेठ जी, जब ये बात कस्टमर को पता चलेगी तो हमारा सेल कितना बढ़ जाएगा। टंकोरा बढ़ जाएगा। जो इंसान 25-30 हजार का टीवी खरीद सकता है वो 50-100 रुपए का नींबू नहीं खरीद सकता? खरीद सकता है सेठ जी। तो फिर? आपकी बात एकदम सही है सेठ जी, टीवी फ्रिज और वॉशिंग मशीन की कीमत के सामने ये नींबू की कीमत का कोई कंपैरिजन नहीं है। लेकिन क्या है, कस्टमर की एक फितरत होती है, उन्हें कुछ भी फ्री में मिले तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है। तो जब टीवी फ्रिज और वॉशिंग मशीन के साथ हम ये नींबू हैम्पर उन्हें गिफ्ट देंगे वो भी फ्री में, तो कस्टमर को कितना अच्छा लगेगा, वो तो एकदम है ना खुशम खुश हो जाएंगे। वाह भागा, होशियार हो गया तू है? मेरे साथ रह रहे के काफी कुछ सीख गया तू। थैंक यू। चल बाजू रहे अभी जरा। अच्छा मैं क्या कहता हूँ, आज जितनी भी डिलीवरी है तो उन सबका साथ एक एक भेज देना। जी सेठ जी। और सुन एक और काम करना, गोकुल धाम में बबीता जी के घर, अंजलि भाभी के घर, माधवी भाभी, रोशन भाभी, कोमल भाभी सबके घर पे भी एक एक गिफ्ट दे देना। अरे वाह, सब क्या क्या खरीद रहे हैं हमसे? कोई कुछ नहीं खरीद रहा है भाई। तो फिर ये नींबू के हैम्पर ऐसे ही? अरे भाई क्या हुआ, अभी मैं दुकान आ रहा था ना, तो वो लोग सुनीता सब्जी वाली से सब्जी खरीद रहे थे, तो सुनीता के पास नींबू नहीं थे, सबको नींबू चाहिए थे, तो मैंने सबको बोला कि मैं देखता हूँ मेरे दुकान के आसपास अगर नींबू मिलते हैं तो बाघा के हाथों भिजवाता हूँ। ठीक है सेठ जी। अच्छा सुन भाई, हो तो गुप्ता जी का पेमेंट लेके आने वाला था, लेके आया? नहीं बस अभी लेने ही जा रहा हूँ। हाँ लेके आ, लेके आ, लेके आ। जी सेठ जी, पहले पेमेंट लेने जाऊं या ये नींबू के हैम्पर देने गोकुल धाम जाऊं? एक काम कर, ये जो गिफ्ट है ना वो मैं शाम को घर जाऊंगा ना, तभी अपने साथ ले जाऊंगा, सबको दे दूंगा, तो अभी पहले पेमेंट लेके आ। जी सेठ। कैसा है? एकदम मस्त है माधवी, मजा आ गया पी के। ये नींबू है ही मस्त और रसीले एकदम। लेकिन क्या फायदा माधवी, फेंकने ही पड़ेंगे। क्यों लेकिन, मुझे क्या लग रहा है, आप शांत दिमाग से सोचिए एक बार, कुछ ना कुछ रास्ता जरूर निकलेगा। माधवी इन्हें फेंकने में ही समझदारी है, इस मुसीबत से छुटकारा पाने का यही एक रास्ता है। देवा ये काय संकट है, यहाँ अचार के लिए नींबू नहीं मिल रहे, यहाँ घर में इतने अच्छे रसीले नींबू है तो फेंकने पड़ रहा है, कमाल है कि नहीं? कितनी अजीब बात है ना, किसने भेजे किसके लिए भेजे ये पता चल जाए तो कुछ कर भी सकते हैं। तुम हो गया माधवी, अभी वापस मत निकलना। और ती नहीं हो, आपको याद है जब वो लोग घर में आए थे तो उन्होंने क्या बोला था? क्या बोला था? अरे वो लोग तमिल में बात कर रहे थे ना, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो याद करके फायदा क्या? और ती तमिल वाला नहीं हो, उन्होंने सबसे पहले घर में घुस के क्या बोला, आत्माराम तुकाराम भिड़े, और आपने बोला हाँ।
और उसके बाद ही उन्होंने घर में गोलियां रखवाई। इसका मतलब ये नींबू आपके नाम पे ही आया है, मतलब ये सारे हमारे लिए ही है। हाँ आई बरोबर है बाबा, नक्की नींबू आपके लिए ही है। अरे हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल याद आया, मैं यहाँ पे खड़ा था, उससे पूछा था आत्मारम तू करम भिड़े, मैं बोला था हाँ, तो ये नींबू हमारे लिए ही है। अरे वाह वाह, लेकिन भेजे किसने ये? लेकिन माधवी, ऑर्डर पूरा करने के बाद भी काफी सारे नींबू बचेंगे, उसका क्या करेंगे? बेच देंगे ना। माधवी कसो अटेल, हम लोग गली गली जाके नींबू बेचेंगे? नींबू नींबू ले लो, नींबू नींबू ले लो, नींबू ताजे ताजे नींबू ले लो, नींबू। अरे बेड़े भाई, आप तो शिक्षक थे ना, नया धंधा शुरू किया? बढ़िया है बढ़िया है, अच्छा प्रॉफिट होगा। कैसे दिया नींबू? 50 के 3। 50 के 3? हाँ। अरे 50 के 4 तो दे दो। नहीं नहीं, 50 के 3 ही है, महंगे हो गए ना नींबू। ठीक है 3 ही दे दो। दे दे 3। चुट्टा देना चुट्टा। अहो क्या सोच रहे हैं? नहीं नहीं माधवी, हम लोग ऐसे गली गली जाके नींबू नहीं बेचेंगे। अया मैंने कब कहा गली गली में जाके बेचेंगे, काहे तुम भी पर? तो फिर कैसे बेचेंगे? वो सब बाद में सोचेंगे, पहले रंग तरंग रिजॉर्ट का ऑर्डर पूरा कर लेते हैं, उसके लिए नींबू निकाल लेती हूँ। अरे हाँ, वो रोशन भाभी को नींबू चाहिए थे, उनके घर में नींबू नहीं है, तो उनको जरा 2-3 नींबू दे के आना। ठीक है। एक मिनट माधवी, क्या कर रही हो तुम? यहाँ पे पूरा नींबू का गोडाउन पड़ा हुआ है और तुम सिर्फ 3 नींबू दे रही हो। अयो काय गो भाई, मैं पर आदत नहीं है ना इतने सारे नींबू एक साथ देखने की। आई मैं क्या कहती हूँ, हम पूरी गोकुलधाम सोसाइटी में दिल खोल के नींबू बांटते हैं। मैं महिला मंडल को मैसेज करके बोल देती हूँ, जिनको जितने नींबू आज लेके जाते लेके जाए। जरा फोन देना बड़ा। हो आए। हाँ। मैं भी अब्दुल को फोन करके बोल देता हूँ कि वो भी नींबू लेके जाए, उसको भी चाहिए होता है ना सोडा के लिए। नींबू के जो भाव चल रहे, लगता है कुछ टाइम के लिए नींबू सोडा बेचना बंद करना पड़ेगा। भेड़े भाई को फोन करके बता देता हूँ। अरे भेड़े भाई का ही फोन? भेड़े भाई मैं आपको ही फोन करने वाला था। अच्छा क्यों? ये बताने के लिए कि कुछ दिनों के लिए मैं नींबू सोडा बेचना बंद कर रहा हूँ। हाँ भिड़े भाई, वो नींबू इतने महंगे हो गए हैं, खरीदना मुश्किल हो गया है और मार्केट में मिल भी नहीं रहे हैं। अरे टेंशन मत लो अब्दुल, मैं देता हूँ नींबू। भिड़े भाई आप नींबू अपने लिए दोगे ना, सबके लिए थोड़ी दोगे। एक काम करो आप, है ना, पहले आके नींबू सोडा पी के चले जाना। वो क्या है ना कि आप नींबू वाला सोडा पियोगे, सब सादा वाला सोडा पियेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा ना। अरे नहीं नहीं अब्दुल, मैं सबके लिए देता हूँ नींबू। सबके लिए? हाँ। अच्छा कैसे? तू घर अभी बताता हूँ। हाँ हाँ मैं अभी घर पे आता हूँ। ओके। अरे ये क्या, आप लोगों ने अभी तक मिसल खत्म नहीं किया? तो क्या करें मम्मा, मिसल में नींबू के बिना मजा ही नहीं आ रहा है। सही बात है। या आई नो आई एम सॉरी, पर क्या करूं, कहीं नींबू मिल ही नहीं रहे। मेरे घर पे ढेर सारे नींबू आए हैं, अगर आपको चाहिए तो ले जाइए। मिल गए नींबू। कहाँ? माधवी भाभी के पास। अरे वाह, लेकिन माधवी भाभी के पास नींबू किधर से आया? अय्यर तुम आम खाओ ना, गुटली क्यों गिन रहे हो? मतलब? मतलब ये कि तुम तुम्हारे लेमन टी पे ध्यान दो, नींबू कहाँ से वो छोड़ो ना। अरे वाह, माधवी भाभी के घर पर नींबू है, मतलब आज मेरा नींबू पुदीना जूस बन जाएगा। माधवी भाभी का अभी अभी मैसेज आया है, उनके घर में नींबू है, मैं अभी लेकर आती हूँ, तेरे लिए फटाफट पनीर बनाती हूँ। ओके ओके थैंक यू मम्मी, थैंक यू। तुम लोग कितने लकी है, नहीं नींबू की होम डिलीवरी हो गई, मार्केट जाने का कष्ट बच गया और पैसे बच गए वो अलग से। खरे खरे माधवी, बस ये नींबू किसने भेजे पता चल जाता ना तो अच्छा हो जाता। बगीतला सोनू, ये अभी भी उसी ट्रेन में है, उतरी है नीचे, उतरी है। माधवी मौका है,
आज नहीं तो कल पता चल जाएगा कि किसने भेजे हैं। अभी हमें सिर्फ ये सोचना है कि ये बचे हुए नींबू बेचे कैसे। हाँ बाबा, बचे हुए नींबू बेचने पड़ेंगे, वरना ऐसे घर पे रखे रखे तो खराब हो जाएंगे। हाँ वो तो है सोनू, लेकिन इतने सारे नींबू घर में रखना सेफ भी तो नहीं है, जमाखोरी का आरोप लग सकता है। हाँ और चोरी होने का भी तो डर है। हाँ देता है इसने। ये आगे क्या किया आपने? सॉरी सॉरी सॉरी, गलती से हाथ लग गया मेरा। कोई बात नहीं बाबा, हम लोग उठा देते हैं। अरे सोनू काय केलं? अरे कितने महंगे नींबू। सॉरी बाबा। नहीं तो क्या? सॉरी। अरे पांडुरंगा काय करता है? स्टैचू दोनों जैसे हो वैसे रहो, मैं उठाऊंगा नींबू। महंगे नींबू है। इतने सारे नींबू, क्या बात है। हमें तो पता ही नहीं था कि हमारे बीच करोड़पति लोग रह रहे। एग्जैक्टली। हाँ आप लोगों ने तो बहुत ही लो प्रोफाइल मेंटेन करके रखा है। हमें तो पता ही नहीं था इतने साल से कि आप करोड़पति हो। माधवी भाभी, आपके घर में इतने सारे नींबू कैसे हैं? आप बोल क्यों नहीं रहे हो? अच्छा, मतलब उस टाइम पे आपको नींबू देना ही नहीं था। अरे नहीं रोशन भाभी, ऐसी बात नहीं है। ओवर स्टैचू ओवर। क्या अभी रोशन भाभी, ऐसा कुछ नहीं है। आप जब आई थी ना तभी सच में घर में नींबू नहीं थे। सॉरी सॉरी, आप कहाँ से आए? हाँ इतने सारे नींबू। एक्चुअली क्या हुआ, कुछ लोग आए, मेरा नाम पूछा, अचानक ये सारी गोनी रखी और चले गए। क्या कुछ लोग आए मेरा नाम पूछा? कम ऑन भिड़े भाई, आई हर्ड दैट। क्या वाज एन एक्सक्लेमेशन। सॉरी। लेकिन भिड़े भाई ऐसे गोली छोड़ के चले गए, कुछ बोला नहीं? हाँ नहीं बोला ना, लेकिन तमिल में बोला, इसने कुछ समझ में ही नहीं आया, सिर्फ मेरा नाम समझ में आया। हाँ। अरे भिड़े भाई तो भैया को फोन कर लेते, वो समझा देता आपको। अरे बबीता जी, ये सब इतना घाई घाई में हुआ ना तो मुझे सूझा ही नहीं अय्यर को फोन करने का, वो फटाफट चले गए। मैं उनके पीछे दौड़ा भी कंपाउंड तक, लेकिन वो चले गए। अच्छा ओ, इसलिए पता नहीं है कहाँ से आए, किसने भेजे। एक मिनट, अब भिड़े भाई उन्होंने आपका नाम लिया था ना? हाँ। तो बस किसी जान पहचान वाले ने ही भेजे होंगे। ऑफ कोर्स जान पहचान वाले ने ही भेजे होंगे, वरना आज के टाइम में इतने महंगे नींबू फ्री में कौन देगा, वो भी इतने सारे। अरे भिड़े भाई, इतने सारे नींबू की बात अगर बाहर फैल गई तो पुलिस की रेड पड़ सकती है। इसीलिए तो अब्दुल भाई हमने सोचा कि अचार के लिए नींबू निकाल लेते हैं, थोड़े आप लोगों में बांट देते हैं और जो भी बचेंगे वो बेच देंगे। असो आए सारे बेचारे, क्योंकि जास्ते दिन घेर पे नींबू रखना थोड़ा जोखम का काम है। अरे तो महिला मंडल देख क्या रही है आप, जिसको जितने नींबू चाहिए ले लो। थैंक यू सो मच भिड़े भाई। भिड़े भाई मस्त नींबू है, सबके लिए मस्त नींबू सौड़ा बन जाएगा। मैंने बोला था कि नहीं। चलो नींबू तो हमने ले लिए, अब बताइए कितने पैसे देने। अय्या कोमल भाभी का इधर इसका है, पैसे वगैरह नहीं देने हैं।
अरे नहीं नहीं, पैसे तो लेने होंगे। अंजलि भाभी, हम गोकुल में हमारे एक परिवार है, पर परिवार में थोड़ी ना पैसे लिए जाते हैं। लेकिन भिड़े भाई, मुझसे तो आपको पैसे लेना ही पड़ेंगे। क्यों भाई, तुम गोकुल धाम परिवार का हिस्सा नहीं हो? नहीं नहीं, मेरा बोलने का मतलब वो नहीं था। अभी आप ही बताइए, जब आप नींबू सोडा पीने के लिए आते हैं तो क्या आप पैसे नहीं देते? वैसे ही आपको भी मुझसे पैसे लेने पड़ेंगे। अब्दुल, नींबू सोडा बेचना तुम्हारा धंधा है, तुम नींबू सोडा खरीद कर हमें बेचते हो। मैंने थोड़ी नींबू खरीदे, ये तो फुकट में आ जाए। लेकिन भिड़े भाई, मैंने ना बोला ना। अब्दुल भाई, मान जाइए ना। ओके, थैंक यू। थैंक यू वंस अगेन। थैंक यू सो मच। भिड़े भाई, थैंक यू। अरे वेलकम। सॉरी सॉरी, थैंक यू। कोई बात नहीं बाबा। हमने अचार के लिए नींबू निकाल लिए, गोकुलधाम वासियों को भी नींबू दे दिए, फिर भी इतने सारे नींबू बच गए। इनका क्या करें? दोस्तों, ये जिंदगी भी कमाल की चीज है ना। जिस वक्त हम जिंदगी में रफ्तार चाहते हैं, उसी वक्त ये धीमे पड़ जाती है। हम जल्दबाजी में हो तब कोई साधन नहीं मिलता। कहीं आपको जाना, उस वक्त कार नहीं मिलेगी, ऑटो नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, रुकावट आ जाएगी। ठीक वैसे जैसे भिड़े के साथ हुआ। अब क्या करे भिड़े, क्योंकि ये बिला वजह की बरसात हो चुकी है। अब आगे क्या करेगा भिड़े? हंगामा बढ़ेगा तो भिड़े का पारा चढ़ेगा, और पारा चढ़ेगा तो आपके घरों में हंसी बढ़ेगी। बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.